हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने माइनिंग एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी है। फ्रेंड्स, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे माइन एनवायरनमेंट और माइन वेंटिलेशन से संबंधित एमसीक्यू। फ्रेंड्स, अगर आप माइनिंग इंजीनियर हैं या माइनिंग से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ओवरमैन, सर्वेयर, माइनिंग सरदार, एमटी एग्ज़ाम्स या माइनिंग से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें जो है हम माइन वेंटिलेशन के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फ्रेंड्स, जो एमसीक्यू है हमने उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लाने की कोशिश करी है, जिससे जो है आपको इजी से इजी वे में आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायग्राम एक्सप्लेन द लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ द CH4। जो CH4 की एक्सप्लोजिव लिमिट है उसको कौन सा डायग्राम दर्शाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कावर डायग्राम, सेकंड ऑप्शन है हमारा लीच-इटलियर डायग्राम, थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्राम डायग्राम या फोर्थ ऑप्शन है हमारा पॉलवेलेव डायग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स कावर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ O2 मेक द मिथेन एयर मिक्सचर एक्सप्लोजिव। मीथेन के एयर मिक्सचर एक्सप्लोजिव बनने के लिए हमें ऑक्सीजन की कम से कम कितनी मात्रा चाहिए होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 8%, सेकंड ऑप्शन है हमारा 10%, थर्ड ऑप्शन है हमारा 12% या फोर्थ ऑप्शन है हमारा 15%। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कम से कम जो है मीथेन का मिक्सचर बनने के लिए हमें एयर का परसेंटेज चाहिए 12%। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12%। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको गैस टेस्टिंग की बुक में मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर देखना चाहते हैं तो आपको GT की बुक पढ़ना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ मीथेन एयर मिक्सचर टू इट इन एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव जो है वो कितने परसेंट पे बन जाता है हमारा मीथेन? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 4.2 से 8.4%, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 5.4 से 14.8%, थर्ड ऑप्शन है हमारा 7.4 से 16.6%, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 10 से 18%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5.4 से 14.8%। फ्रेंड्स, अगर 5.4 से कम होता है हमारा मीथेन, उस कंडीशन में हमारा जो है ये एक्सप्लोजिव का काम नहीं करेगा, ये बस जलने का काम करेगा। और अगर 14.8 से ज़्यादा होता है तब हमारा जो है ऑक्सीजन की इतनी मात्रा नहीं होगी कि वो हमारा ब्लास्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ डेप्थ इज कॉल्ड। जो है डेप्थ के साथ जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट, सेकेंड ऑप्शन है हमारा इंडोथर्मल ग्रेडियंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्सोथर्मिक ग्रेडियंट या फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्केल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जियोथर्मिक ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है वो टेम्परेचर डेप्थ के साथ अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेयर जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैरोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा हाइग्रोमीटर, थर्ड ऑप्शन है हमारा कार्टर थर्मामीटर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मीथेन मीटर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। क्योंकि फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, कार्टर थर्मामीटर जो है वो एयर की वेलोसिटी मेजर करता है और मीथेनोमीटर जो है वो मीथेन को मेजर करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CO2 इज ट्रीटेड एज बेस्ट एग्जस्टिंग्यूसर। CO2 किसके लिए बेस्ट एग्जस्टिंग्यूसर का काम करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है क्लास ए फायर, सेकंड ऑप्शन बोलता है हमारा क्लास बी फायर, थर्ड ऑप्शन बोलता है क्लास सी फायर या फोर्थ ऑप्शन बोलता है ऑल फायर्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल फायर्स। जो हमारा CO2 टाइप का एग्जस्टिंग्यूसर होता है वो बहुत ही बेस्ट एग्जस्टिंग्यूसर होता है। वो इलेक्ट्रिक फायर में भी यूज कर सकते हैं उसको। क्लास ए तो नॉर्मल फायर होता है, क्लास बी भी नॉर्मली होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो है आप CO2 हर टाइप के जो फायर हैं उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ हीट इज प्रोड्यूस व्हेन 1 किलोग्राम CH4 इज बर्न्ड।
जो हमारा मीथेन है अगर 1 किलोग्राम है तो उसको जलने के लिए कितना जो है हमें टेम्परेचर चाहिए, कितने कैलोरी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 580 किलो कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है हमारा 1500 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है हमारा 8800 किलो कैलोरी, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा 13600 किलो कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 13600 किलो कैलोरी, क्योंकि फ्रेंड्स 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम जो है वो CH4 को जलने के लिए कम से कम 13.6 ग्राम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीथेन ड्रेनेज वॉज फर्स्ट ट्रीटेड इन अ कॉलरी। मीथेन ड्रेनेज का काम फर्स्ट टाइम जो है वो किस माइंस में किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रूहर कोल फील्ड इन जर्मनी में, सेकेंड ऑप्शन है हमारा अमलाबाद कॉलरी इन इंडिया, थर्ड ऑप्शन है हमारा संता लूसिया माइन ऑफ द स्पेन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा लोरेन कोल फील्ड इन फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूहर कोल फील्ड ऑफ द जर्मनी। जर्मनी में जो है हमारा मिथेन ड्रेनेज का काम पहली बार स्टार्ट किया गया था। फ्रेंड्स मिथेन ड्रेनेज का काम जो होता है माइन के अंदर, जहाँ से हम कोयला निकाल रहे हैं, अगर मिथेन की मात्रा वहाँ से ज़्यादा है तो हम पाइप लगा के उस मिथेन को निकालते हैं और उसका भी यूज करते हैं, इसे हम मिथेन ड्रेनेज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ मशीन इज यूज टू द क्लीन द डस्ट लेडन एयर। एयर में जो है वो डस्ट को क्लीन करने के लिए किस प्रकार की मशीन का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जिग मशीन, सेकंड ऑप्शन है हमारा वर्टेक्स क्लीनर, थर्ड ऑप्शन है हमारा साइक्लोन सेपरेटर, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर जो होता है एक डस्ट क्लीनर मशीन है, इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लेम सेफ्टी लैंप इज यूज फॉर द टेस्टिंग। किस प्रकार की टेस्टिंग के लिए हम फ्लेम सेफ्टी लैंप का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा CO, सेकेंड ऑप्शन है हमारा CO2, थर्ड ऑप्शन है हमारा CH4, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा CH2S। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CH4, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा CO, उसके लिए CO डिटेक्टर है अलग से बना हुआ। इसके बाद जो CO2 है फ्रेंड्स, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहाँ पर ऑटोमेटिक हमें समझ में आता है कि CO2 बड़ा है, और H2S जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रेंड्स ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, माइन में बहुत कम मिलती है, इसलिए जो है फ्लेम सेफ्टी लैंप का यूज़ ओनली CH4 को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इज एडॉप्टेड टू ब्रेक द मिथेन लेयरिंग। मिथेन की जो लेयर बनती है उसको तोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज एयर वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन है हमारा मिथेन प्रोब, थर्ड ऑप्शन है हमारा वेंचुरी ब्लोवर, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा वाटर स्प्रेइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज एयर वेलोसिटी। एयर की वेलोसिटी बढ़ा के ही जो है आप मिथेन की लेयर को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नॉर्मल फ्लेम सेफ्टी लैम्प कैन मेजर CH4 कंसनट्रेशन अ मिनिमम परसेंटेज ए वेयर ए इज गिवन बाय। जो हमारा फ्लेम सेफ्टी लैम्प होता है वो CH4 को कम से कम कितना मेजर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0.5%, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1%, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1.5%, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3%। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5%। 1.5% से ज़्यादा जो है वो हमारा फ्लेम सेफ्टी लैम्प मेजर कर सकता है। अगर 1.5% से कम वहाँ पर CH4 है तो उसको जो है हमारा फ्लेम सेफ्टी लैम्प मेजर नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स गैस टेस्टिंग में जो नॉर्मल ये क्वेश्चन होता है इसका आंसर 2% या 2.5% हमें देना चाहिए, क्योंकि जो 1.5% है ये जब जलता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एज पर इंडियन लॉ मिथेन कंसनट्रेशन शुड नॉट एक्सीड ए इज अ पार्ट ऑफ द माइन इज गिवन बाय। जो हमारा इंडियन मिथेन है, इंडियन में लॉ है वो मिथेन का कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए जनरल बॉडी ऑफ एयर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0.5%, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 0.75%, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1%, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1.25%। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.25%। इसके सिमिलर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एज पर इंडियन लॉ ऑफ मीथेन कंसनट्रेशन शुड नॉट एक्सीड इन द रिटर्न वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट ए इज अ गिवन बाय, जो हमारा रिटर्न में है वो उसमें मीथेन का कितना परसेंट या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0.2%, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 0.45%, थर्ड ऑप्शन है हमारा 0.75% या फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1.25%। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.75%, क्योंकि जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% और रिटर्न में जो है 0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायर डैम्प ऑफ मीथेन इज जनरली फाउंड, जो हमारी फायर डैम्प होती है मीथेन जनरली किससे फाउंड होती है, किससे बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेटल माइंस में, सेकंड ऑप्शन है हमारा कोल माइंस और टनल पासिंग थ्रू अ कार्बोनियस सेल, थर्ड ऑप्शन है हमारा इन पॉन्ड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इन जनरल एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स जनरल एटमॉस्फेयर में हमारी मीथेन नहीं होती है, मेटल माइंस में भी नहीं पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोल माइंस और टनल पासिंग थ्रू कार्बोनियस सेल, जो कोल माइंस होती है वहाँ पर हमारा फायर डैम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेंटिलेशन सिस्टम इज एडॉप्टेड टू कंटिन्यूस माइनर हेडिंग, जब हमारा कंटिन्यूस माइनर चल रहा है तो हम किस प्रकार का वेंटिलेशन सिस्टम एडॉप्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डक्ट लेस ऑक्जिलरी सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, थर्ड ऑप्शन है हमारा एग्जॉस्ट टाइप ऑफ वेंटिलेशन विदाउट डक्टिंग या फोर्थ ऑप्शन है हमारा फोर्सिंग टाइप ऑफ वेंटिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन। फ्रेंड्स इसमें जो डक्ट वर्ड आया, डक्ट एक प्रकार का जो है पाइप होता है जो प्लास्टिक का होता है, जो अंडरग्राउंड माइंस में जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एयर को पहुँचाने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूस माइनर में हमने देखा कि ओवरलैप सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन जो है हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं माइनिंग से संबंधित तो आप हमारे क्वेश्चन को डेली देखिए। इसके अलावा जो है हम सीरीज भी चला रहे हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अ वेंटिलेशन सर्वे यूजली मीन्स, वेंटिलेशन सर्वे जो है इस किसको कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वांटिटी सर्वे ऑफ एयर इन अ माइन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा क्वांटिटी सर्वे इन द माइन, थर्ड ऑप्शन है हमारा बोथ क्वांटिटी सर्वे एंड प्रेशर सर्वे इन द माइन या फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रेशर सर्वे इन द माइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ क्वांटिटी एंड प्रेशर सर्वे इन द माइन। माइन में जो है हम क्वांटिटी सर्वे भी करेंगे और प्रेशर सर्वे भी करेंगे, इस दोनों को मिला के जो है हम वेंटिलेशन सर्वे कहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे माइन में एक वेंटिलेशन स्टेशन होता है जहाँ पर एयर की क्वांटिटी लिखी होती है कितनी आ रही है माइंस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर सोर्स ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस, कोल में जो है वो मेजर सोर्स क्या है हीटिंग का। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम लाइट, सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्रॉम मैन, थर्ड ऑप्शन है हमारा ड्यू टू ऑक्सीडेशन या फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ्रॉम मशीनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण ही फ्रेंड्स अंडरग्राउंड माइंस में जो है वो मेजर हीट प्रोड्यूस होता है, इसके कारण जो है हमारे कोयले में आग लग जाती है। फ्रेंड्स जो इसका सोर्स होगा वो आप देख सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इसके अलावा लाइट से बहुत ही कम सोर्स होता है और मेन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उससे भी बहुत ही कम होता है हीट, और मशीनरी के द्वारा जो है वो उसमें भी कम होता है, बट ऑक्सीडेशन से फ्रेंड्स ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स आज जो हमने देखा ये हमारे माइन वेंटिलेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन थे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।